अस्सलाम वालेकुम। आज हम दही वाले बैंगन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। 1/4 किलो बैंगन, थोड़ी सी कोथमीर, एक प्याज, कड़ी पत्ता, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच जीरा, और यहाँ पर मैंने शेंगदाने का कूट लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम बैंगन में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे पीली मिर्च, जीरा, आधा जीरा डालते हैं और आधा बघार के लिए रख देते हैं। यहाँ पर पूरा अदरक लहसुन डालेंगे, हल्दी, नमक और थोड़ी सी कोथमीर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला मिक्स हो गया है। अब इसको हम ये बैंगन में भरेंगे, एक एक करके पूरे बैंगन ये मसाले के साथ भर देंगे। हमने कुछ इस तरह से बैंगन को भर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो भगोने या पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाएंगे तो 2 सीटी में ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें डालते हैं तेल, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, और उसको गर्म होने देते हैं। फिर उसमें जीरा डालते हैं। अब तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालते हैं। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। इसमें कड़ी पत्ता डालते हैं। प्याज लाल होने तक इसको भून लेते हैं। अब इसमें डालते हैं कोथमीर। फिर इसमें ये भरे हुए बैंगन डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये दही डालते हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनकर इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर पका लेते हैं 2-3 सीटी आने तक। बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है दही वाले बैंगन। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।